फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम एक स्केचअप की एक बढ़िया सी ट्रिक करेंगे जो रिलेटेड है पाइप से। अगर आप पाइप का काम करते हो तो उसको कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। अब मान लो यहाँ पे एक ये पाइप है हमारे पास, एक ये पाइप है, ये बड़ी पाइप है, ये छोटी पाइप है, और इन दोनों के साइज सेम है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम कैसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये आपने एक्सप्लोडेड व्यू है, ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये कोई ग्रुप नहीं है। ना आपको कंपोनेंट करना ना ग्रुप करना, पहले कर सकते हो बाद में आप एक्सप्लोड कर सकते हो। बेसिकली करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट पे ट्रिपल क्लिक करेंगे, और ट्रिपल क्लिक करने के बाद हम जैसे टॉप व्यू पे किसी भी व्यू पे जाके इसको मूव करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे ऐसे। ये आपने इसमें इसको इंसर्ट किया, क्लियर है। अब जैसे ही आपने इंसर्ट किया, अब मैं चाहता हूं कि ये कनेक्शन हो जाए और यहाँ पे होल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है कि आप बाहर वाले सरफेस को सिलेक्ट करो एंड कंट्रोल प्रेस करके इसके बाहर वाले सरफेस को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इंटरसेक्ट फेसिस पे जाओ एंड विद सिलेक्शन पे क्लिक कर दो। तो ये फेसिस विद सिलेक्शन इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अंदर वाले की इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके इस सरफेस को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, इंटरसेक्ट फेसेस एंड वी सिलेक्शन। अब दोनों फेसेस को आपने इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है, क्लियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे, और इसको भी आपने यहां से सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि इस तरीके से आपका यहाँ पे सरफेस आ जाएगा और ये कनेक्शन आपका यहाँ पे बन जाएगा। ये परफेक्टली आपका कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा अगर आपका सेम साइज हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है कि आप यहाँ पे फ्रंट पे गए या टॉप पे गए, तो इसको ट्रिपल क्लिक करके मेरे को मूव करना है। बट अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपको ध्यान से करना है कि इसके सेंटर पॉइंट से ऐसे पिक करके बिल्कुल इसकी इस एंड पॉइंट पे प्लेस करना है, ठीक है। अगर आप टॉप से देखोगे यहाँ पे, और अगर आप यहां से करके देखोगे वायर फ्रेम या एक्सरे, तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, अटैच हुआ, क्लियर है। अगर आपका नहीं आए ऐसे, तो आप इसे कंपोनेंट में क्रिएट करके कर सकते हैं, उसके बाद भी आप इसका ऐसे आ जाएगा। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, इंटरसेक्ट फेसेस विद सिलेक्शन, इसको किया, राइट क्लिक, इंटरसेक्ट फेसेस विद सिलेक्शन। अब यहाँ पे आप जाओ, इतने पार्ट को सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, ठीक है। उसके बाद इतने पार्ट को सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी दिखे उसको सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं देखना। और आप ये देखोगे परफेक्टली आपका ये कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप अंदर से देखोगे यहाँ पे, ये आपका कनेक्शन परफेक्टली हो गया है। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी पाइप्स के कनेक्शन जोड़ सकते हो। पाइप के कनेक्शन के साथ साथ कुछ भी, राउंड शेप में हो, किसी भी शेप में है, शेप में हो, और आपको इस तरीके से जोड़ना है, तो आप इस सिंपल सी ट्रिक से जोड़ सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, और अगर आपका पाइप्स का काम है तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।